तो पिछले 5 साल से मैं एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और इस टाइम में मैंने बहुत सारे आर्टवर्क्स ड्रॉ किए, कमीशन ड्राइंग्स, और अपने खुद के लिए भी बहुत सारे आर्टवर्क्स ड्रॉ किए। पर इस सारे टाइम में और इन सारे आर्टवर्क्स में मैंने जो ज़्यादा मीडियम यूज़ किया है वो है ग्रेफाइट। चारकोल भी मैं अभी पिछले थोड़े टाइम से ही यूज़ करने लगा हूँ, इसी वजह से ये ब्लैक एंड वाइट कुछ ज़्यादा ही हो गया था और इसी वजह से ये सब अब मुझे कहने लगे थे कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों। आई नो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह ही ऐसे आर्ट मटेरियल्स को बाय करके रख रखा होगा और उसे यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे। तो आई डोंट नो ये होता है हम सब आर्टिस्ट में ऐसा कुछ, पर अब हम इनको वन बाय वन करके यूज़ करना शुरू करेंगे और इनकी भी ज़िंदगी सुधारेंगे। तो सबसे पहले बारी आएगी इनकी। ये दो टोन पेपर मुझे आर्ट लॉन्च वालों ने भेजे थे रिव्यू के लिए काफ़ी टाइम पहले और ये तब से ऐसे ही पड़े हैं। टोन ग्रे पेपर का मैंने रिव्यू किया था हालांकि, और YouTube पे वीडियो भी अपलोड की थी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर ये जो टोन टैन पेपर है इसको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया था, मतलब इस पर मैंने अभी तक कुछ ड्रॉ ही नहीं किया था। तो आर्ट लॉन्च वालों को भी सॉरी, पर अब हम इसे यूज़ करना शुरू करेंगे और इसी के साथ मैं यूज़ करूंगा डॉम्स की ये कलर पेंसिल, इसमें 24 शेड्स हैं। तो इस वीडियो के साथ ही मैं एक 10 वीडियोस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक 30 डेज चैलेंज होगा, मतलब इन 30 डेज में मैं 10 वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब पे इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके, डॉम्स की कलर पेंसिल्स और टोन टैन पेपर को यूज़ करके। तो आप भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, आई एम अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। तो जैसे कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हम हमेशा गणपति जी को याद करते हैं, तो यहाँ भी मैं सबसे पहले एक क्यूट लिटिल गणपति जी को ही ड्रॉ करूँगा। आउटलाइंस को मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है और इसकी रेफरेंस फोटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। कलर करने से पहले अब मैं इसे नीडेबल इरेजर की हेल्प से थोड़ा हल्के प्रेशर के साथ इसे टैप टैप करके ग्रेफाइट को इरेज कर दूंगा, ताकि कलर करने के बाद ये ग्रेफाइट बिल्कुल भी नजर ना आए। और इसमें कलरिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉम्स की ये 24 शेड्स वाली कलर पेंसिल्स। तो चलिए देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती हैं।
तो मुझे ये पेपर और ये पेंसिल्स काफी ज्यादा अच्छी लगी और ये ड्राइंग मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक भी जरूर करना। और आगे मैं इस पेपर पे और क्या ड्रॉ करूं इन कलर पेंसिल्स के साथ, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो। तो अब हम मिलेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में 3 दिन बाद। तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।